पूरी जिंदगी 50 साल छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा के विकास के लिए पूरी जवानी दे दी, पर रिजल्ट निकला तो हम समझते हैं कि उनका सम्मान नहीं बढ़ा। का कमलनाथ और नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से मोह भंग हो गया है। जी हाँ, जो सवाल इसे खड़े हो रहा है, काय के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से आज कांग्रेस प्रत्याशी को नामांकन हतो विधानसभा उपचुनाव के लाने, और इन नामांकन में ना तो कमलनाथ पहुंचे और ना नकुलनाथ पहुंचे, और इसे हो रहे हैं बड़े सवाल। हाल में नकुलनाथ चुनाव हारे हैं, कमलनाथ अब अभी छिंदवाड़ा से विधायक हैं, लेकिन अपने जिला के भीतर ही अगर उनकी राजनीति में रुचि कम हो रही है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। जीतू पटवारी से जब पूछी गई कि कमलनाथ नकुलनाथ नहीं आ रहे, सुबह कैसे कन्नी काटत भगे, आप भी देखो। सर, कमलनाथ नकुलनाथ कहेंगे सर, कमलनाथ नकुलनाथ कहेंगे सर, आ रहे आ रहे आ रहे। हालांकि जीतू पटवारी ई नामांकन रैली में भी कमलनाथ और नकुलनाथ को जिक्र कर वो नहीं भूले, और उनने कही कि कमलनाथ ने अपनी पूरी जवानी छिंदवाड़ा को दे दी, लेकिन इसके बाद भी नकुलनाथ ही फिर चुनाव हार गए, सो ई हार को बदला कांग्रेस की विधानसभा में जीत के तौर पर लेने। ये समय है अमरवाड़ा के कंधों पर सबसे भारी बोझ का, आपकी जुम्मेवारी देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अभी वो व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी 50 साल छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा के विकास के लिए पूरी जवानी दे दी, पर रिजल्ट निकला तो हम समझते हैं कि उनका सम्मान नहीं बढ़ा। सही है कि गलत? ये हमारी जो यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं का खून इसमें खोलना चाहिए। अगर उस हार का बदला लेना हो, अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नकेल कसना हो, पूरे देश में मोदी के अहंकार का नाश हुआ है, पर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। अगर उसको भी देश में अपनी देश की भावना से अपनी भावना मिलानी हो, तो इस बार अमरवाड़ा से कांग्रेस के पंजे को भारी बहुमत से हम सब दिन रात देख करके जिताएंगे, जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। साथियों, जैसा भी मुझसे पहले कह रहे थे, सरकार नहीं बदलेगी, बीजेपी की सेहत पर कोई असर भी नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी करप्शन कर रही है और बढ़ेगा, एक विभाग ऐसा नहीं है जिसमें दलाली और कमीशन न हो, आप टोल देख लो परिवहन के, आप माफियाओं की शराब देख लो, रेत देख लो, आप जो भ्रष्टाचार वल्लभ भवन में होता है 5वीं मंजिल पर, इतना भ्रष्टाचार कभी किसी प्रदेश में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री है वो अलग से लूटता है और मुख्यमंत्री ऑफिस अलग से लूटता है, अद्भुत कल्पनी करप्शन। अगर उस पर नकेल कसनी हो तो फिर आपको अमरवाड़ा से कांग्रेस और हाथ के पंजे के प्रत्याशी को जिताना होगा। दरअसल छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के विधायक थे कमलेश साय, वे लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, और अब छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में हो रहा है उपचुनाव। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।